लठेरी में उत्तर एवं दक्षिण वन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 नग अवैध सागौन के जब्त किए हैं। लठेरी वन विभाग में रेंजर मुकेश केन द्वारा बताया गया कि आज गिदगणना कार्यशाला का आयोजन किया गया था। गिदगणना करने के दौरान लठेरी के उत्तर वन विभाग के रायपुरा एवं चमरा कुंडल की वन सीमा पर से 150 नग अवैध सागौन की सिल्लियां और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जब्त की गई वन उपज की कीमत लगभग 1,60,000 रुपये बताई जा रही है। वन विभाग द्वारा लगातार अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर एवं दक्षिण रेंज लठेरी के स्टाफ द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज हम लोग उत्तर और दक्षिण लठेरी का स्टाफ और समसाबाद से भी कुछ स्टाफ आया हुआ था और सिरोन से भी। आज क्या है, प्रदेश व्यापी गिद्धगणना के अवसर पर हम लोग कार्यशाला का एक आयोजन किया गया था, जिसमें चार रेंज का स्टाफ एक कार्यशाला में हम लोग थे। और चिन्हांकित जो स्थल होता है गिद्धगणना के लिए, हम लोग जंगल में गए थे। वहाँ पर जैसे ही जंगल में पहुँचे, वहाँ पर हमको कुछ हलचल दिखाई दी और कुछ सागौन की चरपट बनाते हुए कुछ माफिया लोग दिखाई दे। हमने तत्काल पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुँची और पुलिस की सहायता से हमारे द्वारा वहाँ से 150 नग के आसपास सागौन की चरपट जब्ती की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक मोटरसाइकिल दबिस में मौके से जब्त की गई है। कुल मिलाकर के लकड़ी की लगभग 1,50,000 की कीमत आसपास आंकी जा रही है। क्या ऐसा नहीं है कि पहले से इसकी जमा किया जा रहा था, ये लकड़ी को इतने बड़े पैमाने? हाँ, जब चरपट मौके पर मिली है, इसका मतलब वो चरपट बना रहे थे। हमें तत्काल वहाँ से इसी मात्रा में चरपट, इसका मतलब यही है कि वो 2 या 3 दिन से चरपट वहाँ पर कार्रवाई बना रहे हैं। कौन सी पीठ है ये? लगभग ये बनसीमा क्षेत्र लगता है हमारा, रायपुरा और चमरा कुंडल के आसपास का। संबंधित नाकेदार की क्या ड्यूटी बनती है, क्या उनके द्वारा गश्त प्रॉपर गश्त नहीं की? हाँ, लगातार वन क्षेत्र में श्रीमान वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में और उत्तर और दक्षिण लठेरी का स्टाफ लगातार गश्ती कर रहा है और लगातार गश्ती करता है और कार्रवाइयाँ भी लगातार होती जा रही हैं जंगल माफियाओं के ऊपर। धन्यवाद। लठेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।